बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गैंदपुर शेखपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कल दोपहर खजूर तोड़ने के लिए घर से निकली 6 वर्षीय मासूम बच्ची का शव आज नए गांव के बाहर स्थित एक खेत में पड़ा मिला। मृतका मासूम की मां का आरोप है कि उसके बेटे यानी मृतका के खुद के भाई ने पहले बच्ची की हत्या की और फिर शव को खेत में फेंक कर फरार हो गया। अच्छा मैं तो पैर भी गई देखने मैं पैर सड़क पे गई माँ तो देखा ही हूँ या खोजा के मोर पर तोड़ कर वहाँ तो देखा ही सब मैं देख गई वहाँ रोंडिया ना मिली मेरी अकेली गई पैर में तो अरे कच्चे मैंने कही भैया इंगे देख कच्चे पर इंगे तो मेरे बाल कारे बगे बगे उन्हें कोई नहीं उन्हें नो कह रहे मैं मुंह तो दिखना दो बार सारे बाप या बाप कह रहा हूँ मतलब सुरक्ष दिख रहा मैं कहते इंगे चलो तुम इंगे न मिलो ना तो इंगे चलो तुम नए गांव को चलो तुम यहाँ मिलेगा और उन्होंने कह रही मम्मी मैं आप आपकी रोटी और मैं आपकी रोटी ना मैं भैया मैं थोड़ा जान से मार दे मुन्नो के मम्मी तो दो जान से मार देगा तू बच के रही है यार तू जिन्ने मारिया वो लौंडिया किस वाइस साल का कुछ लड़ाई तो कर तो नहीं खजूर में खा खवा कर लावे और रोज के 2 दिन तो आ जावे और खवा कर ले जावे और सांप भी मिला हुआ आ गया नगे में तो सांप कैसे बीच में बच गए अब हालांकि सूचना के बाद जहां पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो वहीं पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि हत्यारोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए सिकंदराबाद के गेतपुर शेखपुर गांव में एक घटना हुई है जिसमें 6 वर्षीय बच्ची की हत्या उसी के सगे बड़े भाई ने जो मानसिक रूप से विकसित है पागल है उसके द्वारा कर दी गई है। कल दिन में करीब 11:30-12 बजे 3 सगे भाई गौरव प्रजापति सौरभ और बिट्टू जिसमें गौरव प्रजापति जो मानसिक रूप से विकसित है जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है उसका दूसरा छोटा भाई सौरभ जो 9 वर्ष का है तीसरा छोटा भाई बिट्टू जो 7.5 साल का था और एक छोटी बहन जो 6 साल की थी इनको लेकर के गाँव में बाघ की ओर गया था खजूर बीनने के लिए रोज जाते थे। वहाँ पहुँचने के बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास बड़े भाई ने अपने दोनों भाइयों को घर भेज दिया और जा नहीं रहे थे उसने धमकाया और इसके बाद जो छोटी बहन थी उसको अपने मुक्कों से मार करके घायल कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभी उसको पकड़ लिया गया है मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसका कहना है कि उसने मेरी सब्जी गिरा दी थी घर पे इसी बात के गुस्से में था और इसी वजह से उसने उसके चेहरे पर चोट पहुँचाई और उसकी मौत हो गई। दरअसल आरोपी मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है जबकि रविवार दोपहर को आरोपी अपने छोटे भाई बहनों को साथ लेकर गांव के बाहर लगे पेड़ से खजूर तोड़ने गया था जिसके बाद आरोपी ने मृतका के अलावा बाकी भाई बहनों को वापस घर भेज दिया। आरोपी मृतका को अपने साथ ले गया जिसके बाद पुलिस ने आज सुबह मृतक बच्ची का शव खेत से बरामद किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी Time 24 News। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।